जब से जारी रहेगा, बस ये महंगाई जब होती है ना उस तरह जब से जारी रहेगा। तो आप नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत? हाँ जी मोहब्बत। तो मरियम नवाज साहब से? सबसे मोहब्बत है और उसके पार्टी से। अब ये बताएं कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये जलसा किस बारे में होने जा रहा है, इसका मकसद क्या है? इसके ये महंगाई के खिलाफ हो रहा है, ये महंगाई बहुत जा रही है, चीनी आटा बहुत महंगा हो रहा है, देश के लिए बहुत महंगा हो रहा है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि वोट को इज्जत दो, वो तो अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसा कर रहे हैं, लोग ये करते हैं और जो कर रहे हैं इमरान खान अच्छा नहीं है। अच्छा सिर्फ ये बताएं कि रोज़ाना का 300 आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर इमरान खान साहब को 500 देंगे तो आप जाएंगे वहाँ पर? मुझे 1,00,000 भी देंगे हम फिर भी नहीं जाएंगे इसके साथ, ठीक है, भूखे मर जाएंगे। सच्ची बात ये है, किसी को पाकिस्तान किसी को पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं, कुर्सियाँ लगी देखते हैं लोग, कोई इधर से आ गए कोई इधर से आ गए। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे। अब मैं मेरी बात यकीन ना करें, आप खुद जाएँ इसके अंदर जाके, अब वहाँ से मजमे से एक बंदा निकाले, मजमा है ना यहाँ से एक बंदा निकाले, उसे पूछे भाई PDM है क्या, ये सारे लोग इकट्ठे किस लिए हुए हैं? यार आप नून लीग जलसे में मौजूद हैं? और यार नून लीग को हम भी मानते हैं, जमात अब पोलिटिकल पार्टी है, लेकिन पार्टियों का वजूद उसकी तहरीक पे उसके नज़रिए पे होता है। नज़रिया था नवाज शरीफ जो कि भाग्य मुल्क से बाहर, भाई हम भी वोट देते हैं नवाज शरीफ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नज़रिए के साथ चलने वाली चीज़ है ना। आज आप देखें यहाँ पर मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं खुद यहाँ आप खड़ा हूँ, आपको समझ आएगा क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर, लेकिन इन बेचारों लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि हम इकट्ठे किस लिए हुए हैं। आप इनको बताएं तो सही भाई, ट्रैक क्या है, रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, हमें लीड करें, हमें लीड करेंगे तो हमें समझ आएगी। तो आप यहाँ पे क्यों तशरीफ लाए? यार मैं तो जलसे में आया हूँ, मैं भी जलसे में आपको शायद कोई चीज़ यहाँ से निकलेगी, लेकिन मैंने आज रात को अंदाज़ा लगा लिया कि कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, कोई किसी का, ये जो 4-5 लोग मिल गए हैं ना आपस में, इनका आपस में कोई सुलह सफाई नहीं है। आज वो कहते हैं इस्तीफा रखें, देखिए गेम चेंजर इस वक्त इस्तीफे हैं, सबसे बड़ी बात ये आपका लास्ट जलसा जो आपने प्लान किया हुआ था, आप हम कारकुनान का ख्याल करते हुए सुबह तमाम के तमाम लोग इस्तीफे रखे ऊपर, हमें समझ आए कि आप यार वाकई उस PDM से सिंसियर है जिसको लेके आप चल रहे हैं। अच्छा बताएं कि आप मरियम नवाज को लीडर मानते हैं? देखिए लीडर नवाज शरीफ, ठीक है, जो कि हमारे दिमाग में बिठाया गया था, लेकिन आज हमें समझ आ गई कि लीडर जो होता है वो मुल्क में अपने लोगों के साथ रहता है। 300 रुपये से मेरा पेट नहीं भरता, इस बेचारे का पेट नहीं भरता, मुल्क में गुर्बत थी जो छोड़ के गए, जानबूझ के इन लोगों को गरीब रखा गया कि जब चाहेंगे नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज इसके साथ क्या हो रहा है ये मेरा भाई, मुझे देख के इतना दुख है मैं आपको बता नहीं सकता कि 300 रुपये में क्या जिंदगी गुजरती है इसकी, कुछ नहीं गुजरता भाई, जन खाना एक टाइम का नहीं आता। इस बंदे को पता चले कि यार ये इस काबिल है कि एक दिन के अंदर 1,500-2,000 रुपया कमा सकता है? नहीं देखे ना इसकी मोहब्बत बड़ी है मियां साहब। सर मोहब्बत क्या, आप देखें ना दिमाग को खुलने नहीं दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ इस बंदे को ट्रेन किया जाए, 1 महीने की ट्रेनिंग दे, ये 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा है जिसको आपने 300 रुपये में बिठा दिया यहाँ पर कि यार झंडा बांध दो और ये पकड़ो जाओ जाके वहाँ तमाशा करो, लोग देखे क्या ले रहे हैं इसे, तो ये तमाशा है, मेरा दिल को तकलीफ हुई देख के। मजदूरी बिल्कुल बिल्कुल, ये डेली वेजेस में कहीं काम करे कहीं मजदूरी करे, 1,500-2,000 रुपया दिहाड़ी है वहाँ पर। अच्छा क्या ये आपको लगता है कि जो PDM का जलसा कामयाब होगा, 10,00,000 कारकुन जमा कर सकेंगे? 10,00,000 सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये मैंने जलसे सारे देखे हैं, मैं इमरान खान के जलसे में जाता रहा हूँ, ये जब जलसा कोई लीडर करता है ना तो ये एक चांद रात का समय होता है, यहाँ पर आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ग्राउंड ऑलरेडी भरे होते हैं, रात को लोग आकर बैठे होते हैं। अभी मैंने जो सूरत हाल देखी है, अगर आप अपने कैमरे में दिखाएं लोगों को, इस वक्त भी यहाँ पर वही लोग हैं जो देखने आ रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, जैसे कोई लकीर सर्कस है, जैसे कोई तमाशा लगा है, कोई जू है, कोई म्यूजियम है, यही चीज़ देखने के लिए आ रही है सारे के सारे। ये अभी मैंने दो दोस्त यहाँ से इकट्ठे किए, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, कितना देखने आऊँ क्या लगा हुआ है, कौन सा मजमा चल रहा है यहाँ पर। लीडर का काम ये है कि आप लोगों को पहले नज़रिया दें हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि नज़रिए की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो है बड़ी देर से आपस में इनके इख्तलाफात थे, मरियम साहिबा या नवाशी साहब जरदारी साहब को गाली देते थे और जरदारी साहब इनको गाली देते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, आज ये इतहाद करके बैठे हैं, आज ये एक स्टेज के ऊपर तकरीर कर रहे हैं। सर तकरीरें करने से ना इतहाद नहीं होता, इतहाद क्या था, मरियम साहिबा कह रही हैं कि इस्तीफे दें, ऐलान किया 7 तारीख को, 8 तारीख को हम आपको एक अहम सी खबर सुनाएंगे आपको, वो खबर ये थी कि हम इस्तीफे देंगे, उसी रात बयाना तब लावल का हम इस्तीफे, अभी हमारा प्लान नहीं है। अच्छा आप इस बात को किस हद तक सदाकत कहते हैं कि लोग ये बात कहते हैं ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये जो तमाम के तमाम चोर मिल गए हैं, इसके बारे में कह रहे हैं? ये हमें तो नहीं पता ना ये चोर है, इन्होंने बताया
पहले नवाज शरीफ आता रहा कि जरदारी लूट के खा गया, सरे महल चला गया, ये हो गया वो हो गया, इसने बताया फिर जरदारी है। जरदारी ने कहा जी नवाज शरीफ ये कर गया, मैं फिर फ्लैट बनाया, ये इधर पैसे, इन्होंने बताया हमें भाई, इन्होंने बताया ये, देख दूसरे को चोर कहते रहे, हमने कहा ये चोर है, उसने कहा वो चोर है, हमने कहा इसने कहा ये चोर है, इसी तरह लोगों को पता चला। मतलब कि मैंने जाके कोई इंक्वायरी नहीं की, ये लीडरान ने बताया, क्यों जी लीडरान ने बताया हमें कि जरदारी चोर है, उसका बेटा चोर है, उसकी आल औलाद आगे चोर है। फिर जब जरदारी आया उसने कहा नवाज शरीफ चोर था, लूट के भाग गया, हमारे पास कुछ नहीं है। ये चीज़ें किसने बताई भैया हमें? इन्होंने, नवाज शरीफ ने बताई, जरदारी ने बताई, वही हमने सीखी है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के दारों के ऊपर तनकीद की जाती है PDM की तरफ से, क्या हमारी पाकिस्तान जो आर्मी है वो दहशतगर्द है और ये नारा लगाया जाता है कि जो दहशतगर्दी इसके पीछे भरती है PDM के